खबर मध्य प्रदेश के सीहोराष्टा से। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने सिंधिया समर्थक विधायकों को खरीद कर जनादेश का किया अपमान। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश चौहान। शिवराज जी आज किसान त्राही त्राही परेशान है। दो दो तीन तीन किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। 5 से 6 दिन किसानों को अपनी फसल को तुलवाने का इंतजार करना पड़ रहा है। शिवराज जी, क्या आप वही शिवराज सिंह हैं जिसने कमलनाथ जी की सरकार थी तब बोला था कि मैं किसानों का गेहूं तो क्या मिट्टी भी 2100 रुपए के भाव खरीद लेता। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शिवराज जी आप मुख्यमंत्री है, चाहे जनादेश का अपमान करके बने हो, मुख्यमंत्री तो हो। जो इन किसान भाइयों की बद्दुआएं आपको लगी थी, आप सत्ता से बेदखल हुए थे, जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हत्या कर उसका आने वाले उपचुनाव में जनता आपको जवाब देगी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सीहोराष्टा से कैलाश अजनोदिया की रिपोर्ट। कर रहे हो क्यों इन किसान भाइयों को परेशान कर रहे हो? शिवराज जी, इन किसानों की हया, इन किसानों की बद्दुआएं आपको लगी थी, आप सत्ता से बेदखल हुए थे, फिर आपने जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ली है, उसका आने वाले उपचुनाव में जनता आपको जवाब देगी। मैं क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवी जी से भी कहना चाहता हूँ कि मालवी जी, अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपके मुख्यमंत्री हैं, इसी जिले के हैं, फिर आप जगह जगह फोटो खिंचवाते फिर रहे हो, जगह जगह किसानों को हिम्मत देने की बात करते हो। ए विधायक जी, ये 5-5 दिन के भूखे प्यासे किसान आपको नहीं दिख रहे हैं? ये 2-2 से 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन आपको नहीं दिख रही है? विधायक जी, इन किसानों की लड़ाई को लड़िए। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान।